मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक, जहां मैं हर रोज मोबाइल और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए काफ़ी सारे वीडियोस लेकर आता रहता हूं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। आइए दोस्तों, आज का वीडियो जो है हम आपको प्रोसेस बताने वाले हैं किस तरीके से आपको जो है कोरोना वैक्सीन के लिए रजिस्ट्रेशन करना है ऑनलाइन, क्योंकि गवर्नमेंट ने इसको ऑनलाइन करने के ही रास्ते ओपन रखे हैं। ये तीन तरीके से हो रहा है। मैंने एक वीडियो और बनाया है, उस वीडियो को भी आप देख सकेंगे। वो उमंग एप्लीकेशन की मदद से बनाया गया है। उस पर कैसे जाकर आप अगर उमंग एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं तो आप जो है वहाँ से भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। आज मैं आपको सिंपल गूगल पर जाकर जो है जो कोविन रजिस्ट्रेशन कोविन की वेबसाइट बनाई गई है, कोरोना विनर इसका नाम है, उसके साथ आपको यहाँ लिखना है कोविन रजिस्ट्रेशन। और यहाँ जाने के बाद ये जो आधिकारिक वेबसाइट है आप ऊपर देख पा रहे होंगे www.covin.gov.in, यहाँ पर हमें क्लिक करना है। क्लिक करते से दोस्तों, अगर आप फ़ोन में चला रहे हैं तो आप इसका डेस्कटॉप साइट अगर ओपन कर लेंगे तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। दोस्तों देखिए, ये इसका डैशबोर्ड है। आप डैशबोर्ड में देख पा रहे होंगे करंट स्टेटस दिखाया जा रहा है, कितनी वैक्सीनेशन डोसेस लग गए हैं, कितने टोटल मेल फीमेल्स को लगे हैं, ये अलग अलग तरीके की जानकारी यहाँ आ रही है। आप यहां देख सकते हैं चेक योर नियरेस्ट वैक्सीनेशन सेंटर एंड स्लॉट अवेलेबिलिटी। आप यहां से चेक कर सकते हैं आपके पास नियरेस्ट कौन सा वैक्सीनेशन सेंटर है और वहां क्या स्लॉट है। आप पिन के माध्यम से भी सिलेक्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं, और आप ज़िले वाइज भी देख सकते हैं। पहले दोस्तों हम पिन के माध्यम से आपको यहाँ दिखा देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ एक पिन डाल रहे हैं, ये हमने पिन डाल दिया है और हम यहाँ सर्च कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, सर्च करते ही यहाँ पर लिखा आ गया है। ये देखिए कितने सारे यहाँ पर दिन आपको दिख रहे हैं, ये जगह आपको दिख रही है, किस किस जगह पर वैक्सीन लगनी है, किस किस के लिए लगनी है। दोस्तों 18 प्लस 45 प्लस दोनों का यहाँ पर ऑप्शन दिख रहा है। जिसके ऑप्शन में यहाँ पर स्लॉट खाली हैं वहाँ पर भी आपको दिख रहे होंगे। जहाँ एनए लिखा है वहाँ पर एप्लीकेबल नहीं है, जहाँ बुक लिखा है वहाँ पर सारे स्लॉट जो है पहले से बुक हो गए हैं। इसी तरीके से दोस्तों आप यहाँ पर ऊपर ऑप्शन देख पा रहे होंगे फ्री, पेड, कोवैक्सीन, कोविशील्ड, एज, आप इसके अकॉर्डिंग जो है दोस्तों यहाँ पे इसको फिल्टर भी कर पाएंगे। इसी तरीके से दोस्तों हम यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट वाइज सेलेक्ट कर लेते हैं। मान लीजिए हमने यहाँ से सेलेक्ट कर लिया है, ये हमने राज्य को सिलेक्ट कर लिया है। अब हम यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेते हैं अशोकनगर। हम यहाँ से सर्च करते हैं। सर्च करने के बाद दोस्तों देखिए यहाँ पर वही ऑप्शन फिर से आ गए हैं, कहाँ पर किस जगह पर वैक्सीन लगाई जा रही है, किस उम्र के लोगों के लिए लगाई जा रही है, कितने स्लॉट खाली हैं, कितने स्लॉट जो है बुक हो गए हैं, और कब कब कहाँ वैक्सीन लग रही है, इसकी जानकारी आपको दोस्तों इजीली यहाँ मिल जाएगी। इसके साथ ही दोस्तों आप यहाँ पर कोविन के पास ये तीन डॉट देख पा रहे होंगे, इन तीन डॉट पर क्लिक करेंगे आप तो यहाँ लिखा आ रहा है रजिस्टर साइन इन योर सेल्फ। हमें यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करते ही दोस्तों हमें जो है यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, वह मोबाइल नंबर डालना है जिससे हम रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को पूरा करना चाहते हैं। यहाँ पर 10 डिजिट का मोबाइल नंबर मांग रहा है, ये हमने यहाँ पर नंबर डाल दिया है। हम गेट ओटीपी पर यहाँ से क्लिक करेंगे। 180 सेकंड 3 मिनट का ये समय देता है, ये यहाँ से 3 मिनट जो है वैलिड रहता है ये ओटीपी, और हम ये ओटीपी को वहाँ पर सर्च करेंगे। ये हमने ओटीपी डाल दिया है, वेरीफाई एंड प्रोसीड कर दिया है। ये वेरीफाई प्रोसीड करते ही दोस्तों देखिए यहाँ पर मेरी डिटेल, क्योंकि मैंने जो है उमंग एप्लीकेशन के माध्यम से समझाया था तो वहाँ पर रजिस्टर्ड कर लिया था, इसलिए मेरी जानकारी यहाँ आ रही है और डोज का स्टेटस भी लिखा आ रहा है अभी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि और ऑप्शंस क्या आते हैं। उससे पहले आप ये नोट ज़रूर पढ़ें, ये सारे नोट आपके काफ़ी काम के हैं। ये नोट जो लिखे हैं हमें इन सभी बातों का पालन करना होगा। हम यहाँ पर, यहाँ आप देख पा रहे होंगे डेट का अपॉइंटमेंट के लिए शेड्यूल का लिखा हुआ है, यहाँ हम क्लिक कर सकते हैं। क्लिक करने के बाद जो है आपकी रेफरेंस आईडी रहेगी और आप यहाँ से शेड्यूल नाउ पर जाने के बाद
वही जो मैंने आपको शुरू में बताया था, आप पिन कोड के माध्यम से या डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से आप यहाँ पे बुक कर सकते हैं। आपको दोस्तों रजिस्टर्ड होने के समय करना क्या है, कैसे जानकारी दी जाएगी, आप यहाँ ऐड मेंबर पर क्लिक करके मैं आपको बता देता हूँ वहाँ क्या क्या ऑप्शन आते हैं। देखिए, ऐड मेंबर पर क्लिक करते ही रजिस्टर फॉर वैक्सीनेशन लिखा आ गया है। आपको एक फ़ोटो आईडी प्रूफ देना है, ये फ़ोटो आईडी प्रूफ के ऑप्शंस हैं। इसके बाद जो है दोस्तों, यहाँ आईडी प्रूफ देने के बाद उस आईडी प्रूफ में जो नंबर दर्ज है वो नंबर यहाँ डालना है, आपको नाम लिखना है, आपको जेंडर लिखना है और आपको वह साल लिखना है जिस साल आपका जन्म हुआ था। और उस तरीके से आप यहां पर जो है अपने अकाउंट डिटेल्स को इजीली रजिस्टर कर पाएंगे आपके मोबाइल नंबर के साथ, और आप यहां शेड्यूल पर जाने के बाद जो है स्लॉट को इजीली बुक कर पाएंगे। और ये सारा कुछ दोस्तों मैंने आपको कोविन की जो ऑफिशियल आधिकारिक वेबसाइट बनाई है, सरकार के द्वारा बनाई गई है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा, उससे मैंने आपको ये पूरा प्रोसेस करके दिखाया। मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रोसेस समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया है और आपके दोस्तों और रिश्तेदार परिवार में जिन लोगों ने अभी तक अपॉइंटमेंट और रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, आप उनको ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वह भी इस वीडियो को देखकर जो है आसानी से रजिस्ट्रेशन करा सकें और अपने दोनों डोसेस को ईजिली ले सकें। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। थैंक यू।